फ्रेंड्स, माई सेल्फ अश्विनी कुमार फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो आज का जो मेनली डिस्कशन वो 5-6 क्वेश्चन पर है, जो कि कॉमन क्वेश्चन है, जो कि मुझसे व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके पूछे जा रहे हैं, या मैं जब लाइव आया था तो वही 5-6 कॉमन क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, या मुझे फ़ोन करके भी वही 5-6 क्वेश्चन कॉमन पूछे जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ऐसा बना दूँ जिसमें कि उन 5-6 क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दूँ। तो वही है, तो आप पीछे मेरे दिखे, मैंने लिखा है यहाँ पर बुक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि बुक्स कौन कौन से करें, फिर लीडर और अचीवर के बारे में पूछ रहे हैं, फिर सेल्फ स्टडी कोचिंग, फिजिक्स में इंप्रूवमेंट कैसे होगा, फिर जो काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं वो मोबो ब्राउन के बारे में पूछ रहे हैं, कुछ लोग एलेन और सरोत्तम के बारे में पूछ भी रहे हैं। तो इन्हीं 6-7 टॉपिक पर अपना डिस्कशन होगा। जो पहला टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है अपना बुक्स। देखिए, काफ़ी लोग बुक्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो बुक्स के बारे में मेरा एक ही राय है, यदि आपने कि मैंने पहले भी कितनी बार बोल चुका हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग डाउट्स में हैं तो मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर। यदि आपने NCERT प्रीवियस क्वेश्चंस इंक्लूड नीट, एम्स, जेई मेंस, ओके, जिपमर, दिस 4 कैटेगरीज अंडर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देन यू शुड गो फॉर द मॉड्यूल और स्टडी मटेरियल ऑफ एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट यू हैव ऑप्टेड फॉर DLP और आइदर ज्वाइनिंग द कोर्स डायरेक्टली डूइंग कोचिंग देयर। तो इन तीनों फोकस करना आपको, यदि ये तीनों कर लेते हैं आप, यदि इन तीनों के करने के बाद आपको टाइम बचता है, देन यू शुड गो फॉर द अदर बुक्स। मेरा यही आपका फिर से मेरे आपके लिए रिक्वेस्ट होगा कि आप इन तीनों को कर लेते हैं जो मैंने अभी बताया, इन तीनों के करने के बाद यदि आपके पास टाइम बचता है, देन यू शुड गो फॉर द अदर बुक्स। अदर बुक्स में मैंने आपको बताया था, आप देखिए, एक और डाउट्स काफ़ी लोग भेज रहे हैं, मुझे मैसेज किए थे यूनिवर्सल बुक को लेकर। तो यूनिवर्सल बुक में इतने सारे क्वेश्चन हैं ना, अभी आपको लगेगा क्योंकि अभी आप शुरुआत है आपका, अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं आप, अभी एक साल आपको दिख रहा है समय, तो अभी आपको लगेगा कि मैं यूनिवर्सल कर लूँगा पूरा, लेकिन जब समय बीते जाएगा तो आपको और भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, यू हैव टू ऑल्सो गो थ्रू द बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, देन इट विल बी अ बर्डन। जो यूनिवर्सल वो आपको एक बर्डन की तरह लगने लगेगा, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन है, इतने सारे क्वेश्चन है कि वो पॉसिबल नहीं है कि अपन कर पाए, ठीक है, पॉसिबल नहीं है कि सारे कर लें। तो आपको कोई ऐसा बुक खोजना चाहिए जिसमें कि क्वेश्चंस कम हो लेकिन क्वेश्चंस अच्छे हों, क्वेश्चंस कम हो लिमिटेड हो लेकिन क्वेश्चंस अच्छे हो। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, यदि अच्छा क्वेश्चंस करना चाहता है हाई लेवल के, मतलब एक तो पहले इतना भी आप कर लिए ना तो मैं मान जाऊंगा, इतना करना भी बहुत टफ है, इतने के लिए टाइम नहीं मिलता है, इसको एक दो बार करना बहुत टफ है, ठीक है, नोट्स के साथ इसको करना वो भी एक अपने आप में टफ चीज़ है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि टाइम बच रहा है बाद, देन यू शुड गो फॉर द DC Pandey सीरीज। DC Pandey का जो IIT का सीरीज आता है ना, उसको कीजिए, उसमें भी सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, सब्जेक्टिव मत कीजिए, उसमें भी बहुत टफ क्वेश्चन है। मैं फिर बोल दूँ, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप वो भी कीजिए, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप उन बुक को कीजिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं मान रहे, मैसेज कर रहे हैं मुझे, तो मैं आपको यही सजेस्ट दूंगा कि आप DC Pandey के IIT सीरीज वाले को कर सकते हैं, उसमें बहुत शानदार क्वेश्चन दिए, नहीं तो मेडिकल सीरीज वाला भी कर दीजिए, तो मेडिकल सीरीज वाला भी DC Pandey में क्वेश्चन कम है, लेकिन क्वेश्चन उतने अच्छे नहीं है, उतने अच्छे कैटेगरी के क्वेश्चन नहीं दिए हैं, तो ये डिफरेंस है, इसलिए मैं बार बोला। उसमें भी DC Pandey में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करना, सिर्फ ऑब्जेक्टिव और कुछ ही पार्ट करना, क्योंकि उसमें बहुत सारे हैवी हाई लेवल के क्वेश्चन है, वो मेनली एम्स के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूं, वो बुक मैंने एम्स के लिए मैंने सजेस्ट किया, एम्स में आपको चाहिए तो आपको कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से शार्पन करना होगा, उस कॉन्सेप्ट शार्पनिंग में आपको वो बुक आपको बहुत हेल्प करेगा। तो यूनिवर्सल मेरा सजेशन नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जो लोग खरीद लिए यूनिवर्सल गो थ्रू, लेकिन उसमें भी ध्यान रखना, उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाला जो पार्ट है उसको करना आपको, और हाई लेवल थिंकिंग, जिन्होंने भी खरीद लिया यूनिवर्सल उसके लिए कोई बात नहीं, हाई ऑर्डर थिंकिंग जो भी क्वेश्चन है उनमें हॉट्स आता है ना करके, हाई ऑर्डर थिंकिंग लेवल के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उससे कीजिए, और मत कीजिए उससे, क्योंकि आप उतना कर भी नहीं पाएंगे, पहले इतना कीजिए, उसका टाइम बचता, तो देन यू शुड गो फॉर द अदर बुक्स। फिर केमिस्ट्री में इस तरह मेरे पास मैसेज आ रहा है, तो केमिस्ट्री में फिर बोल दूँ आपको NCERT प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, JEE मेंस, इनफ मोर देन इनफ, उससे आगे मत जाइए, फिर भी आपको लगता है कि बस टाइम बच रहा है, देन यू शुड गो फॉर द MS चौहान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, बहुत लोग OP टंडन, नरेंद्र अवस्थी से मैसेज कर रहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर बोल दूँ अभी आपको लग रहा है कि मैं कर लूँगा, लेकिन बाद में आप नहीं कर पाइएगा। फिर और एक और चीज़, हाँ, आप इन दोनों में प्रैक्टिस के लिए LN का पेपर्स इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, LN के पेपर्स का यूज कीजिए आप दोनों के प्रैक्टिस में आप LN के पेपर्स का यूज कीजिए। मैं इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, इस वीडियो के नीचे मैंने लिंक दे दिया एक साइट का, जहाँ आप देख सकते हैं कि उस साइट पर सारे LN के पेपर्स अवेलेबल हैं, LN और कास्ट के, तो उनको प्रैक्टिस की तरह यूज कीजिए आप, बस अब देखिए आप कोई नया बुक खरीदें। देन मूविंग फॉर बायोलॉजी के लिए NCERT इज इनफ, एंड बिसाइड NCERT यू हैव टू डू प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम द NCERT एट फिंगर टिप्स, दैट विल हेल्प यू अलॉट, और यू हैव मॉड्यूल और यू हैव द प्रीवियस क्वेश्चंस इज मस्ट, NCERT एट फिंगर टिप्स एंड अदर बुक्स आर ऑप्शनल फॉर यू, इफ यू आर डूइंग NCERT प्लस प्रीवियस क्वेश्चन दैट इज इनफ फ्रॉम माई साइड, ओके। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन,
Next question is leader or achiever. Many boys and girls have called me whether I should join leader or achiever. So I have made video on this to join leader or achiever at 2 or 3 or 4 months back. But now I want to focus more on this topic. तो देखिए लीडर उनके लिए हैं जो कि पहली बार जा रहे हैं, मतलब कोचिंग नहीं किए हो, उनका बेस कमज़ोर हो, बेस कमज़ोर हो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि उनको कम समझ में आता हो, मतलब कि टीचर एक दो बार समझाए तब आपको समझ में आए, दो से तीन बार समझाने पर आपको ये समझ में आता है, देन यू शुड गो फॉर द लीडर। यदि आप शार्पेन है आपका माइंड, ठीक है, ये इसका एनालाइजर आप ही हैं, ये मुझसे मत पूछिए आप कि मैं लीडर लूँ या अचीवर लूँ। मैं कंडीशंस बता रहा हूँ आपको, उस कंडीशंस को आप एनालाइज कीजिए कि मैं उस कंडीशन में कहाँ खड़ा हो जाता हूँ, कि मुझे जब टीचर पढ़ाता है तो मुझे एक बार में समझ में आता है या दो से तीन बार बोलता है तब समझ में आता है। यदि दो से तीन से चार बार लगता है आपको समझने में एक चीज़ को, देन यू शुड गो फॉर द लीडर। यदि आपको लगता है कि नहीं मैं एक बार समझ जाता हूँ, मैं समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस भी थोड़ा सही है, देन यू शुड ऑप्ट फॉर द अचीवर। ये बेसिक डिफरेंस ध्यान रखना आपको, ठीक है। ऐसे नहीं करना है कि भाई सुन रहे हवा में कि अचीवर में टीचर सही है सही है सही है तो हम अचीवर में चले जाएँ, तो काफ़ी लोग परेशान भी होते हैं अचीवर में जाकर, जिनका बेस अच्छा नहीं होता, जिनको धीरे धीरे समझ में आता है वो फिर जाकर अचीवर में एक बर्डन लगने लगता है उनको, फिर वो दे स्टार्ट टू लिविंग द क्लासेस, ठीक है। तो देखिए फिर मैं एक और चीज़ क्लियर करूँ, अचीवर हो या लीडर दोनों में टीचर्स अच्छे पढ़ाएंगे आपको, दोनों में बेसिक्स पढ़ाएंगे, बस शर्त है कि अचीवर में थोड़ा सा फास्ट रहेगा क्योंकि अचीवर में पुराने मतलब स्टूडेंट ज़्यादा रहते हैं और लीडर में ज़्यादा नए स्टूडेंट रहते हैं तो उसमें टीचर थोड़ा स्लो कर चलेगा, लेकिन दोनों जगह आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। वहाँ भी डाउट काउंटर पर टीचर्स बैठते हैं और यहाँ भी बैठेंगे, ठीक है। डाउट काउंटर के टीचर्स का आपको हेल्प लेना है, हेल्प लेते हुए आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। और यदि आपको थोड़ा भी बेसिक अच्छा और समझ में आता है तो अचीवर जाए, अचीवर में टीचर तो सही में कुछ अच्छे आते हैं, ये फ्रैंक में बोल रहा हूँ, अचीवर में टीचर्स कुछ अच्छे मिलेंगे आपको एलएन में। थर्ड क्वेश्चन में यही बात कर लूँ आपको एलएन और सर्वोत्तम की। एलएन और सर्वोत्तम के लिए पहले बोला फिजिक्स मेन डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए आपका, ठीक है। यदि फिजिक्स आपका बहुत ज़्यादा कमजोर है देन यू शुड गो फॉर द एलएन, और यदि केमिस्ट्री कमजोर है देन यू शुड गो फॉर द एलएन सर्वोत्तम। सर्वोत्तम में आपके केमिस्ट्री के फैकल्टी बहुत अच्छे हैं लेकिन फिजिक्स के फैकल्टी उतने लेवल के नहीं है, मतलब थोड़े से हैं अच्छे हैं हाई लेवल के, मतलब वो बेसिक्स से थोड़ा उड़ के पढ़ाते हैं। यदि आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है, यदि फिजिक्स आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है, मतलब फिजिक्स में आपने इस बार नीट में 100 प्लस स्कोर किया, देन सर्वोत्तम इज़ द बेस्ट फॉर यू। यदि फिजिक्स में आपने 50 40 30 स्कोर किया देन एलएन विल बी द बेस्ट फॉर यू। तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपने कितना स्कोर किया और आपको कहाँ लेना चाहिए, ठीक है। सर्वोत्तम में भी टीचर्स अच्छे हैं, यहाँ भी टीचर्स अच्छे हैं, दोनों जगह सही है और सर्वोत्तम के कंडीशंस धीरे धीरे और अच्छे होते जा रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में बोला भी था सर्वोत्तम विल और एक्सीलेंट होते जाएगा आने वाले समय में, और हो रहा है, उसके डाउट काउंटर्स भी सुधरे काफ़ी और काफ़ी अच्छा हो रहा है धीरे धीरे वो। नेक्स्ट वी आर मूविंग फॉर द सेल्फ स्टडी या कोचिंग, इसमें मैंने वीडियो भी बनाया, आप वहाँ भी देखिए एक बार कि सेल्फ स्टडी करने वाले कैसे स्कोर करेंगे और कोचिंग, ठीक है। यदि कोचिंग ज्वाइन कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा, सेल्फ यदि कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तब भी अच्छा। एक लेकिन देखिए एक पॉजिटिव फ़ायदा होता है कि मतलब किसी से सुन लेते हैं या किसी से पढ़ा हुआ चीज़ जल्दी ग्रैब कर पाता है, जल्दी से याद हो पाता है वो। लेकिन जो कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाए उनके लिए यूट्यूब के वीडियोज़ हैं, मैं भी अपलोड करूँगा, मैं बोल ही रहा हूँ आपको कि मैं अक्टूबर तक ख़त्म कर दूँगा, पूरा सिलेबस अपलोड कर दूँगा, ये मेरा गारंटी है। लेकिन हाँ वो शुरू करूँगा अगस्त 15 से मेन फ्लो में आएगा, अगस्त 15 और अक्टूबर के बीच में हर रोज़ कम से कम 10-10 वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, उसके लिए घबराइए नहीं। तब तक आप दूसरे चैनल्स के किसी भी चैनल्स के वीडियोज़ देख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता हो, जहाँ भी अच्छा लगता हो, ठीक है। उससे एक बार थ्योरी जरूर सुनिए, मैं फिजिक्स के थ्योरीज के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो फिजिक्स के थ्योरी के लिए कोई बुक रीड मत करें, वो फिजिक्स के थ्योरी के लिए वीडियोज़ ऑफ करें, मतलब किसी से सुने वीडियोज़ ऑफ करें या आप पर्सनल ट्यूशन लीजिए फिजिक्स के लिए। फिजिक्स को कभी भी आप अपने से मत पढ़िए, और मैंने देखा है और ये फैक्ट भी और आप लोग को भी लगेगा ये फैक्ट है कि जो भी ड्रॉपर्स होते हैं वो फिजिक्स के कारण ही बार बार ड्रॉप कर रहे हैं, बार बार उनको फिजिक्स का ही ड्रॉप करना पड़ रहा है। और फिजिक्स का ड्रॉप करने का कारण यह है कि वो फिजिक्स खुद से पढ़ने की कोशिश करते हैं, पिछले साल भी खुद से पढ़ने की कोशिश किए, पुराने नोट्स को थ्योरी पढ़ रहे हैं अपने से, तो अपने से मत पढ़िए फिजिक्स की थ्योरी। फिजिक्स के थ्योरीज के लिए आप तो या तो वीडियोज अपलोड कीजिए, आपने यदि कोचिंग ज्वाइन किया है दैट इज़ अ बेटर बेस्ट वे, और आप पर्सनल ट्यूशन लीजिए फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए थ्योरी के लिए प्लीज़ 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 यू शुड ऑप्ट फॉर आइदर ऑफ दिस थ्री वे। देन मूविंग टू द क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना आपको उसमें अच्छा लगेगा, और जो कोचिंग ज्वाइन कर लिए तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, मैंने कोचिंग के लिए एक रूटीन भी बताया था, आप उसको फॉलो कीजिए, आप अच्छा स्कोर कीजिएगा। और ऐसा बात नहीं है कि सेल्फ स्टडी करने वाले अच्छा स्कोर नहीं करते, सेल्फ स्टडी करने वाले भी इस बार अभी मुझे मैसेज किया था कल ही परसों या कोई, उनका मैं वीडियो मैं करूँगा अपलोड, यदि मुझे अपना वीडियो देंगे तो, उन्होंने 610 स्कोर किया सेल्फ स्टडी करके, तो आप भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं फिजिक्स इंप्रूवमेंट, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था सबके लिए था कि फिजिक्स इंप्रूवमेंट कैसे करके फिजिक्स में मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स इंप्रूवमेंट करने का मैंने तरीका बताया था, फिजिक्स के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, हाउ टू डील विद द क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स, आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माय वीडियो, बाय टेकिंग 2 or 3 फिजिक्स क्वेश्चंस आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माय वीडियोज हाउ टू डील विद द क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स। व्हेन अ फिजिक्स क्वेश्चन इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, हाउ टू थिंक, हाउ टू अप्रोच, अप्रोचिंग फॉर द क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिजिक्स क्वेश्चंस प्रॉब्लम।
फिजिक्स के क्वेश्चंस को कैसे करना है, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज अप्रोच। अप्रोच क्या लगा रहे हैं आप, क्वेश्चंस देखने के बाद क्या क्या सोच रहे हैं, उस सोचने से क्या फॉर्मूला डिराइव कर पा रहे हैं और कैसे उसमें आप डाटा पुट करके आंसर निकाल पा रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अप्रोच। और वो मैं आपको सिखा दूंगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते कराते मैं आपको लर्न करा दूंगा कैसे किसी क्वेश्चंस को अप्रोच करना है और कैसे किसी क्वेश्चंस को देखकर कौन सा फॉर्मूला यूज करना और कौन सा डाटा पुट करना, वो आपको कैसे निकालना है, ठीक है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट फिजिक्स के लिए मैंने आपको पहले बोला मिशन 30+, तो सारे सब्जेक्ट के लिए वो काम कीजिए, मिशन 30+ पर काम कीजिए आप, ठीक है। 30-30 क्वेश्चन डेली करने हैं आपको तीनों सब्जेक्ट के लिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मिशन 30+ भूलिए नहीं, मिशन 30+ पर आप काम कीजिए। जो थर्ड पॉइंट है वो एक्स्ट्रा कॉपी रखिए, ठीक है, नया सा कॉपी, अच्छा सा कॉपी रखिए, उसमें आप उन पॉइंट्स को लिखिए जो पॉइंट्स के कारण, जिन कंसेप्ट्स के लैकिंग के कारण आप क्वेश्चंस करने में पीछे हो रहे थे, मतलब मान लीजिए जो क्वेश्चंस किया आज दिन भर में आपने जितना क्वेश्चंस किया, उन क्वेश्चंस करने के बाद आप देखिए कि भाई इस क्वेश्चंस मतलब इतने क्वेश्चंस करने के बाद कहाँ कहाँ फंसे थे हम, उन फंसे हुए चीज़ों को आप उस कॉपी में नोट डाउन कीजिए, उसके कंसेप्ट्स को, क्योंकि मैंने कौन से कंसेप्ट्स में गलतियाँ की थी उस कॉपी में नोट डाउन कीजिए, और वो कॉपी आप हर संडे को एक बार रिवाइज कीजिए, वो कॉपी को आप हर संडे को एक बार देखिए कि मैंने कहाँ कहाँ मिस्टेक किया था, तो आप दैट विल इम्प्रूव योर फिजिक्स मोर। और फिजिक्स में मिशन 30+ जरूर काम कीजिए, काफ़ी आप बार बार उसको क्वेश्चंस करते जाइए तो आपको फायदा होगा। द लास्ट क्वेश्चन इज मोपो राउंड काउंसलिंग। मोपो राउंड काउंसलिंग के बारे में बहुत लोग पूछ रहे हैं, लेकिन मोपो राउंड काउंसलिंग आप आसानी से आपको कॉलेज मिल सकता है, इट इज द मोस्ट ईजीएस्ट वे, ये उनके लिए जिनको सेकंड राउंड तक काउंसलिंग तक कोई कॉलेज नहीं मिला, क्योंकि सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में यदि कॉलेज मिल गया है तो यू कैन लीव दैट कॉलेज, ठीक है। यदि आप ज्वाइन कर लिए, फिर से मैं क्लियर कर दूँ, यदि सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद यदि आप कॉलेज ज्वाइन कर लिए हैं देन यू कैन नॉट लीव द कॉलेज, और यू कैन लीव बट आफ्टर गिविंग फाइन, ओके। तो मोपो राउंड सबके लिए खुला हुआ, जो भी लोग भी एलिजिबल हुए सबके लिए खुला हुआ, आप मोपो राउंड में आइए। अब ये मैं नहीं बोल सकता कि 25,000 50,000 60,000 वाले को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि पिछले साल भी जनरल देखिए जी, पिछले साल तो मोपो राउंड मिला 9,000 वाले को, देखिए सबसे बड़ा क्या होगा 8-9 हज़ार तक वाले को तो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग स्टेट के थ्रू मिल जाएगा, उसके बाद जो बचे रहते हैं जो जिनको कहीं कॉलेज नहीं मिला वो मोपो राउंड के लिए अप्लाई करते हैं, या स्टेट वाले मोपो राउंड के लिए अप्लाई करते हैं क्योंकि स्टेट का तब तक फर्स्ट काउंसलिंग ही हुआ रहता है तो उनको छोड़ने का डर नहीं रहता, तो वो अप्लाई करते तो उनको मिल जाता, तो स्टेट का देखिए आपका जितना भी हो, मान लीजिए आपका रेंज यदि जनरल है आपका 10,000 के अंदर रहेंगे, 10 से 12,000 के अंदर रहेंगे, OBC हैं 15,000 के अंदर रहेंगे, और STSC हैं तो आपका रैंक 1,00,000 के अंदर हो, तो देन यू शुड मस्ट अप्लाई फॉर द मोपो राउंड काउंसलिंग। 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख वाले SC ST वाले, 1.5 से 2 लाख वाले अंदर वाले, और जनरल वाले 10-12 हज़ार के अंदर वाले, OBC 15,000 के अंदर वाले, आप जरूर अप्लाई कीजिएगा मोपो राउंड काउंसलिंग के लिए, तो यू कैन गेट सीट, ओके। ये 5-6 पॉइंट्स हैं जिन पर काफ़ी मेरे पास डाउट्स आ रहे थे कि कैसे करना है क्या करना है, तो मैंने पूरा एक बार एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आप एक बार इसको देखिए, फिर भी कोई डाउट आता तो मैं फिर एक और वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में किस पर वीडियो चाहिए तो मैं कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। और एक बार और रिक्वेस्ट मेरा, आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट जरूर करें कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी लोग आपके साथ पढ़ रहे हैं, जो लोग भी कोटा पहुँच गए अपने वहाँ दोस्तों को बताएँ, ठीक है, चैनल के बारे में, और वीडियो को शेयर करें वहाँ। थैंक्स।